हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट में आपको बेल करानी है तो ऐसी कंडीशन में आपको किन किन कागजों की जरूरत है, 376 के मामले में या पॉक्सो के मामले में बेल कराने के लिए क्या क्या कागज की आपको आवश्यकता है, और दूसरी चीज़ आपको किन ग्राउंड्स के ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट से बेल मिल सकती है वो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बात करूं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, 376 का मैटर ऐसा होता है कि जिसमें सबके हाथ पाँव फूल जाते हैं, बेल मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। ट्रायल कोर्ट से भी बिल्कुल बेल होती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है, हर बार नहीं होती है। बहुत पापड़ उसमें वकील साहब को ही बेल ले पड़ते हैं और आपके भी फैक्ट्स उतने मजबूत होने चाहिए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट जनरली डरती हैं बेल देने से। ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भी अभी रिसेंटली कहा है कि नीचे की कोर्ट में जज साहब लोग डरते हैं बेल देने से, लिए उनको बेल देनी चाहिए, बेल क्योंकि एक्यूज्ड का राइट है। इसीलिए मैं खुल के बात करता हूं कि अगर 376 के सिर्फ एलिगेशन लग गए तो एलिगेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपराधी हो गए। आप हालांकि मीडिया ट्रायल हो जाता है, आपकी बदनामी बेइज्जती हो जाती है और आपको सफ़र करना पड़ता है, लेकिन आप आरोपी हैं, अपराधी नहीं है। इसलिए आपको अपना बेल कराने के लिए, और हम लोग लॉयर के तौर पे बैठे हुए हैं, डेफिनेटली असिस्ट करेंगे उस चीज़ के लिए, हमारा कर्तव्य है, दायित्व तो है ये, उसको हम फुलफिल करेंगे। चाहे खैर, हम लोग बात करते हैं अपने वीडियो के कंटेंट पर कि आखिरकार आपको अगर हाईकोर्ट में बेल करानी है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या क्या कागज चाहिए। तो सबसे पहले आपके ऊपर जो FIR हुई, FIR की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। अगर आप जेल के अंदर हैं, आप अपने किसी रिलेटिव के माध्यम से जो है इन सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स को निकलवाइए, पुलिस स्टेशन से या कोर्ट से आप FIR की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइए। अगर आपके मैटर में चार्जशीट आ गई है तो आपको चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, आपको बेल के लिए लगानी पड़ेगी जो लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में जो आपकी बेल रिजेक्ट हुई है उसका बेल रिजेक्शन ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी आपको चाहिए होगी। ठीक है, अब उस बेल रिजेक्शन ऑर्डर को, FIR सर्टिफाइड कॉपी को, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप हाई कोर्ट आ जाएंगे और हाई कोर्ट में आप अपनी पिटीशन अपने वकील साहब के माध्यम से बनाएंगे, उसके ड्राफ्टिंग करके उसको लगा देंगे। उसके बेल पर आर्ग्यूमेंट होंगे, अगर बेल मिलने लायक होगी तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। अब आप भाई साहब ये समझिए वीडियो का दूसरा पार्ट कि आखिरकार बेल आपको किन ग्राउंड्स के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट में दी जाएगी। तो सबसे पहले 161-64 में क्या लड़की ने कहा है और FIR में क्या कहा है, इन तीनों में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर इसमें विरोधाभास है, स्टोरी एकदम अलग जा रही है, तो डेफिनेटली कोर्ट आपको बेल देगी। और लड़की ने अगर जर्नल नेचर के एलिगेशन लगाए हैं, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं स्पष्ट तरीके से बताया कैसे क्या हुआ, सिर्फ बता दिया है, जर्नल एलिगेशन लगा दिया, एलिगेट कर दिया, तो उस कंडीशन में भी आपको बेल मिल सकती है। और कोई स्पेसिफिक टाइम, डेट, प्लेस अगर उसने घटना का नहीं बताया है कि किस दिन उसके साथ घटना कारित हुई है, किस स्थान पर कारित हुई है, किस होटल में हुई है, कहां पर क्या हुआ, इस चीज़ को अगर वो स्पष्ट तरीके से नहीं बता पाई है तो इस कंडीशन में भी आपको ऑनरेबल कोर्ट से बेल मिल जाएगी। अब एक चीज़ और देखिएगा, आजकल बड़ा कॉमन है कि लड़कियों ने कई लोगों के ऊपर मुकदमे लिखाए हुए होते हैं, 376 के या 354 के। अगर ऐसे किसी मुकदमे की भी उसकी हिस्ट्री है, उसने किसी के ऊपर जो है मुकदमे लिखा रखे हुए, तो आपको यकीन मानिए बेल मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। उससे साबित हो जाएगा कि लड़की हैबिचुअल है लोगों को फंसाने के लिए, मुकदमे लिखाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी जाती है कि आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, आपकी कितने केसेस की क्रिमिनल हिस्ट्री है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आप करते क्या है। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही है, आपकी कोई क्रिमिनल इंसिडेंट्स नहीं है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, तो ऑनरेबल कोर्ट से आपको बेल मिल जाएगी और आप आराम से एकदम बाहर आ जाएंगे और अपना ट्रायल एप्रोप्रिएट तरीके से लड़ने में सक्षम और सफल हो जाएंगे और आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी से कुछ ना कुछ बल मिलेगा, हेल्प मिलेगा और इजिली आप हाई कोर्ट एक्सेस कर पाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट में यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन्हीं का ट्रेंड है, आप इनका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। बाकी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप अपने वकील साहब से संपर्क करें, वकील साहब लोग आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।